Hello friends, I am Jagjeet and welcome you all on YourPedia education. So friends, today I am here with the next video from video series of learn concept through the question for GATE 2020 mechanical engineers ke liye. Okay, now yahan pe kya hai ki aapko jaise pata hai electrical wale students ke liye bhi humne series start kar diya hai and chalo wo students bhi apna share karo, apne jo friends hain electrical wale unke saath bhi share karo so that unko benefit ho sake. And before starting the video main aapko ek baat batana chahta hu that GATE ke andar jitne bhi concept hain wo repeat honge, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होने वाले. ओके क्वेश्चंस यार ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपका जैसे गेट का पेपर मैकेनिकल का होता है, ऐसी प्रोडक्शन का भी अलग से पेपर होता है, तो कई बार क्या करते हैं प्रोडक्शन का क्वेश्चन उठा के मैकेनिकल को डाल देते हैं, तो आपके लिए वो भी मैंडेटरी है, आप प्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन लगा लो गेट के प्रीवियस ईयर एंड अपने तो लगाने हैं ही, और कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा. तो यहां तक आपने क्या रखना है दैट बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात भी होती है, तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूं एक छोटी सी एक मिनट की. दैट एक स्टूडेंट ने जनवरी के अंदर जो आपके टेस्ट सीरीज के अंदर फुल लेंथ टेस्ट आते हैं ना, इतने टेस्ट लगाए थे 15 से, जो आपका जब स्टार्टिंग ऑफ फेब तक पेपर होता है, दैट एक्चुअल जब गेट के पेपर में बैठा था वो, तो उसको पता ही नहीं चला कि वो टेस्ट सीरीज वाला पेपर दे रहा है कि गेट का पेपर दे रहा है, और उसके आई थिंक 75 प्लस मार्क्स आए थे सिविल का स्टूडेंट था कोई. तो ऐसे आपने कुछ माहौल क्रिएट कर लेना अपने घर के ऊपर दैट आपने रिचुअल बनाना है कि रोज मैंने आप जनवरी जैसे ही स्टार्ट होता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जितने भी आपके पास है, 1, 2, 3 इंस्टीट्यूट जितने भी लेके रखे हैं, पूरे आपने फुल लेंथ टेस्ट लगाने ही लगाने हैं. ओके और ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हो बीच में चले गए, जैसे गेट का पेपर है उसको सीरियसली लो, बैठो अलग से कमरे के अंदर अकेला बैठो माहौल बना के, एंड आपने उसको बहुत सीरियसली लेना है कि इतने टाइम में क्वांट, इतने में ये, और उससे वो भी एनालिसिस करना है कि पहले क्वांट करूं, पहले आप नॉन टेक्निकल पार्ट करोगे कि टेक्निकल करोगे, पहले टेक्निकल के पहले बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट कौन सा आपने डिसाइड करना है, और उसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी लगाओ दैट कि पहले मैं वो क्वेश्चन करूंगा जो मेरे को फर्स्ट टाइम में हिट हो रहे हैं, पहले वो क्वेश्चन करूंगा, फिर देखूंगा मैं यार कितने मेरे बने. फॉर एग्जाम्पल 60 मार्क्स बने, 60 अभी आपके पास है, आपको एमटेक वगैरह मिल जाएगी, एमएस मिल जाएगी, तो फिर आपने थोड़ा आगे जाने की कोशिश की, पीएसयू की तरफ बढ़ते हैं. तो फिर आपने क्या किया, जो क्वेश्चन में आपको आइडिया है कि यार हाँ मैं इसको दोबारा सोचने की ट्राई करता हूं, उसको लगाता हूं. तो आप देखो 60 से 70% पेपर गेट का इजी होगा, लगा लेंगे. एंड 70 to 80 वाला जो पेपर होता है मॉडरेट, एंड 80 to 100 बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होता है, उस हिसाब से लगाना है. तो आउट ऑफ 20 मार्क्स ऑफ प्रोडक्शन और 15 to 20 जितना भी पूछेगा, आपने उसमें टारगेट रखना है कि मैं तो बोलूंगा यार फुल मार्क्स लेने हैं आपने. ओके प्रोडक्शन के मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं आपके, और ये मेरी गारंटी है जितना करवाया उतने में इसी ही आएगा जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जो क्वेश्चन करवाया उसका कंसेप्ट अगर आपको पता है हो जाएगा आपका. ओके और ऑलमोस्ट आपका जो ये 8th 9th वीडियो है प्रोडक्शन का, एंड आपका अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 or 15 वीडियो के अंदर प्रोडक्शन हो जाएगा. तो 150 के करीब अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन करके जाओगे, प्रोडक्शन आपका फुली प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, एंड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो रिपीट हो रहा है, दोबारा दोबारा से नया कंसेप्ट आ रहा है हर क्वेश्चन के अंदर, जैसा आप लोग देख भी रहे हो. इसीलिए क्या होता है कि नया क्वेश्चन बनाने के चक्कर में शायद कई बार वो आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है. ओके सो इस चीज को देखते रहेंगे, टैकल नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, और जो भी आपको डाउट होता है आप मेरे को पता है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर भी रहे हो, एंड कमेंट सेक्शन में भी, जैसे एक दुबे है लड़का एंड शिवम है और 2-4 लड़के और हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप लोग यार इसके अंदर बहुत ही एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करो एंड अपने फ्रेंड्स के शेयर करो कि भाई ये 10 क्वेश्चन आ चुके हैं सर के, इसको लगाते हैं, देखते हैं तेरे मार्क्स कितने बनते हैं, मेरे कितने बनते हैं. तो आपने सुबह एंड शाम ये 20 क्वेश्चन यूरपीडिया वाले एंड जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है, तो अभी आपने रिचुअल बना लेना है, एंड गेट के पेपर में अच्छे मार्क्स लेने का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो ब्रेन है वो क्वेश्चन नए नए टैकल करने के लिए तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ए ब्लैंक साइज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कप ऑफ डायमीटर 20 mm एंड हाइट 30 mm विद फ्लेंज ऑफ डायमीटर 40 mm अज्यूमिंग रेडियल क्लियरेंस अलाउंस 2 mm इन mm. आंसर आपको उनको निकालना है अप टू 3 decimal प्लेस. अब जहां पे आपको ऐसा कुछ बोलेगा ना 2 mm सॉरी 2 decimal प्लेस 3 decimal एक्यूरेसी, तो वहां पे आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के स्टेप में कैलकुलेशन नहीं करनी, जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड वाले क्वांटिटीज हैं, जो भी आपके पास डाटा है उसको लेके आते जाओ, एंड लास्ट स्टेप के अंदर जो भी कटिंग हो रही है उसके बाद लास्ट में कैलकुलेशन करो, तभी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है. ओके एंड यहां पर गलती नहीं करनी है कि वो mm में पूछ रहा है कि मीटर में, केल्विन में पूछ रहे, जैसे हीट ट्रांसफर थर्मल में, हीट ट्रांसफर में या
थर्मोडायनेमिक्स जो भी आपके पावर प्लांट जैसे आईसी इंजन ऐसे सब्जेक्ट है आरएसी, तो केल्विन डिग्री सेल्सियस, डायमीटर पूछा है, रेडियस पूछा है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है बड़ा ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपके पास एक शीट है जिसका डायमीटर है कैपिटल डी, उसको आपने कुछ शेप देके ऐसे कप की फॉर्म में बना देना है, जिसकी कप की फ्लेंज है जो उसका डायमीटर 30 mm एंड इसका जो इंटरनल डायमीटर 20 mm, हाइट जो आपके पास होनी चाहिए 40 mm। तो जो ये इनिशियल शीट होती है इसको बोलते हैं ब्लैंक, ये आपके पास ब्लैंक है, तो ब्लैंक का डायमीटर कितना होगा वही क्वेश्चन है, एंड अलाउंस का कंसेप्ट भी ऐड किया। सो लेट सी कितना आंसर आप लोग निकालते हो, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ए पंच पंच ज्योमेट्री यूज्ड फॉर शीयरिंग ऑपरेशन इज शोन इन फिगर वेयर एंगल थीटा इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 degree टू 15 degree, द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर शीयरिंग ऑपरेशन कितना होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी रिमेन सेम, एंड ऑप्शन डी मे इंक्रीज मे डिक्रीज। तो जो आप पंच को ऊपर को बेंड कर देते हो इसको बोलते हैं शीयर, दे दिया आपको पंच ने, पंच को आपने शीयर दे दिया, एंड पंच को शीयर देने के दो तरीके हैं, एक थीटा की फॉर्म में आपने डिफाइन कर दिया, सेकेंड ये जो कितना डिस्टेंस आई है उस फॉर्म में आपने डिफाइन कर दिया इसका शीयर। ओके, एंड शीयर देने से होता क्या एक्चुअल में कि आपका जो पंचिंग समझते हो होल बनाने का ऑपरेशन, पंच जो है होल बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड जिसमें होल बनाना है उसको डाई के ऊपर रखते हो, तो जब आप पंच को ऐसे टिल्ट कर देते हो तो फोर्स रिक्वायर्ड है जो कम हो जाती है इस केस में। ओके, तो इतना मैंने आपको हिंट दिया, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग कैसे इसको टैकल करोगे। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनदर, ए मेटेलिक पार्ट ऑफ शेप एज शोन इन फिगर इज टू बी मेड फ्रॉम 5 mm थिक प्लेट, अज्यूमिंग क्लियरेंस 5% ऑफ प्लेट थिकनेस, द रिक्वायर्ड साइज ऑफ, पहला आपको निकालना है पंच फॉर ब्लैंकिंग एंड सेकंड है डाई फॉर पियर्सिंग ऑपरेशन। अब अगर आपको यहां पे ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग का कंसेप्ट क्लियर है देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, एंड दिस कंसेप्ट इज बेसिकली रिक्वायर्ड, और ये मैंने सॉल्यूशन के अंदर बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो उसको देख लेना जरूर जाके वीडियो को निम्बस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ब्लैंकिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू कट ए हेक्सागोनल ब्लैंक ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड 10 mm एंड थिकनेस 2 mm, इफ शीयर स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल इज 150 mm एंड 300 mm। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अनदर बेसिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कम फ्रीक्वेंसी है इसको पूछने का, बिकॉज इजी है सिंपली क्वेश्चन। तो आपने कुछ शीट को ऐसे लिया, उसको बेंड करके ऐसी शेप में बना दिया, तो बताओ जो इनिशियली शीट ली थी उसकी लेंथ कितनी है, एंड यहां पे एक कंसेप्ट यूज होता है स्ट्रेच फैक्टर का, तो उसका आपने निकालना है, फॉर द ज्योमेट्री शोन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शीट रिक्वायर्ड इफ स्ट्रेच फैक्टर इज 0.33। क्वेश्चन नंबर 6, ए माइल्ड स्टील शीट ऑफ 100 mm into 50 mm into 2 mm size is stretched to a size of 120 into 45 into 1.85 mm in tensile test. Calculate the value of poison anisotropy. तो यहाँ पे anisotropy आना चाहिए आपके पास. Okay. यहाँ पे anisotropy आना चाहिए. Okay. तो ये आपने निकालना है कुछ कंसेप्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्रॉइंग रेशियो फॉर मेकिंग ए कप ऑफ 40 mm डायमीटर एंड 20 mm हाइट। ओके, सो इजी क्वेश्चन है आपके पास ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज मोर और लेस सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए कप ऑफ इंटरनल रेडियस 50 mm एंड हाइट 100 mm इज डीप ड्रॉन फ्रॉम ए शीट ऑफ थिकनेस 2 mm, इफ ट्रिम अलाउंस पर 10 mm ऑफ कप डायमीटर इज 2 mm, देन फाइंड द रिक्वायर्ड ब्लैंक साइज। तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन इजी है, बट ये जो लाइन है ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसी में आप लोग कंफ्यूज हो गए अगर हो गए, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही मोर और लेस सेम क्वेश्चन है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ए स्टील कप शोन इन फिगर इज टू बी डीप ड्रॉन फ्रॉम शीट ऑफ 1 mm थिक, द एक्चुअल ब्लैंक डाया इज 130 mm, निगलेक्ट कॉर्नर रेडियस थिनिंग एंड स्प्रिंग बैक, कैलकुलेट द एज ट्रिमिंग अलाउंस टू बी प्रोवाइडेड ऑन रेडियस। तो आपने एक कप ड्रॉ करना है, फ्लेंज का डायमीटर 55 प्लस 8 प्लस 8 एंड हाइट कितना है 45, इंटरनल डायमीटर 55 mm, तो बताओ उसका ब्लैंक का साइज क्या रिक्वायर्ड है। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन फॉर गेट 2020 लर्न कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, एंड इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर देखना, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कंसेप्ट इसका, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आपको समझ आ जाएगा, मेरी आपसे गारंटी है ये। ओके, सो ये मेटल फॉर्मिंग के जो क्वेश्चन थे 10 लगाओ, बहुत इजी टॉपिक है यार, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, और अगर कोई आपको कंसेप्ट में डाउट है मेरे को बताओ, और कोई भी आपका टीचर होगा रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का क्लियर करेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वी विल विद यू, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।